ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप फोकस करेंगे आईटी स्पेस पे और इन दोनों दिग्गज कंपनी इन्फोसिस और टीसीएस, जहां पे अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिल रहा है। सरबजीत, पहले तो इन्फोसिस एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। हम जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं उसका तो आधा ही इस कंपनी ने क्लॉक करा है। कमेंट्री थोड़ी सी ठंडी समझ में आती है हमें, तो आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इन नंबर्स को और वाकई के 8-9% का जो तगड़ा दबाव देखने को मिल रहा है वॉरेंट करता है ये नंबर्स? देखिए, वो नंबर्स डेफिनेटली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। हम भी 4.2% क्यू ऑन क्यू का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो रफली 2.2 तो बहुत ही काफ़ी लो है। और द मेन जो है इसमें जो है, कंपनी ने कहा है कि इट्स रैम्प अप इश्यूज, नॉट मोर टू डू विद द एनवायरमेंट मोर सो। कुछ डोमेन्स हैं जहाँ पे उनको डिस्क्रिशनरी स्पेंड है जो रैम्प अप होने में टाइम लग रहा है, नॉट की डिले। सो ऐसे एक्सपेक्टेशन तो थी, बट इतना उसका इफेक्ट आएगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, तो उसके चलते गाइडेंस भी कम हुआ है। तो बट जो स्टॉक रिएक्शन है, आई थिंक वो कुछ ज़्यादा सिवियर है। स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 10% गिर चुका है, जबकि अर्निंग मोमेंटम अगर मैं एक्सट्रापोलेट करूँ, ये नंबर्स इम्पैक्ट होंगे, पूरे साल के इम्पैक्ट हो जाएं, तो ईपीएस डाउनग्रेड 3 या 4% से ज़्यादा होना, एक्सट्रीम केसेस होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, तो स्टॉक जो है कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहा है फिलहाल। तो कंसल्टिंग में स्लो डाउन, लार्ज डील में कह रहे थे वो लोग रैम्प अप इस क्वार्टर में, जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ नहीं, इसीलिए दबाव देखने को मिला है। तो ये वन क्वार्टर एबरेशन हो सकता है, नंबर्स में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा खराब आपको नजर नहीं आ रहा है? देखिए, जैसे उन्होंने, अगर आप उनका फुल ईयर का गाइडेंस देखें, तो वो एक 1.5% ही डाउनग्रेड हुआ है। तो उसके चलते अगर ये फर्स्ट क्वार्टर देखें, तो उसका मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सबसिक्वेंट क्वार्टर्स हैं उनमें रैंप अप डिसेंट होगा। तो आई एक्सपेक्ट कि प्रॉब्लम उनको एनवायरमेंट का नहीं है, रैंप अप का है। तो आई गेस अगर वो इशू है, तो आई एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट सबसिक्वेंट क्वार्टर्स डिसेंट होने चाहिए। बाकी मैट्रिक्स में क्लाइंट एडिशन देख लें आप, या उनके मार्जिन प्रोफाइल देख लें, उनका गाइडेंस देख लें, तो उसमें मुझे कुछ खास ज्यादा इशू नहीं दिखते हैं। तो कंपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है रैंप अप को लेकर। अच्छा, दिक्कत और झटका इसलिए भी लगा है सरबजीत, क्योंकि 4 क्वार्टर से हमें आदत हो गई थी वापस के आउट परफॉर्मेंस हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो इस बार वो धक्का लग गया। अच्छा, टीसीएस केस में मैम, यहाँ पे तो लगातार डिसअपॉइंटमेंट के बाद इस क्वार्टर में एक इनलाइन परफॉर्मेंस देखने को मिला है, कैसे देख रही है? क्योंकि मैं ब्रोकरेजेस देख रहा था, राइट इन द मिडिल स्प्लिट है। कई लोग मानते हैं खराब परफॉर्मेंस है, तमाम नेगेटिव्स हाईलाइटेड है, कई लोग मान रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छा है, तमाम पॉजिटिव्स उन्होंने हाईलाइट करें। आप कैसे इंटरप्रेट कर रही हैं टीसीएस को? देखिए, टीसीएस में 4% क्यू ऑन क्यू ग्रोथ होना, वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 3.4, वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा, लेकिन 3-4% क्यू ऑन क्यू इतने बड़े बेस पे वॉल्यूम ग्रोथ होना, एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इटसेल्फ इज डिसेंट परफॉर्मेंस। इट्स नथिंग जिसके लिए आपको स्टॉक को पीट देना चाहिए, आई गेस। सो टी सी एस का वॉल्यूम ग्रोथ वाइज देखूँ या बाकी परफॉर्मेंस देखूँ, तो आई गेस इट वॉज डिसेंट। अगेन वहाँ पर बी एफ एस आई के जो है स्पेंड है, वो थोड़ा स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। तो आई गेस आई डोंट नो वेदर इट्स ब्रेक्सिट का इफेक्ट है, या जो थोड़ा एक इफेक्ट है सिस्टम में कि स्पेंडिंग जो है थोड़ी रैंप अप होने में टाइम ले रही है, तो प्रॉब्ली उसका असर है। बट अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखें, तो टी सी एस में 3.4 इज नॉट बैड। सो आई गेस वही है प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से सेक्टर जो फेस करेगा वो रैंप अप का ही है। क्लाइंट एडिशन स्ट्रांग है, तो आई गेस वो पुश ऑन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, टीसीएस आज 3% नीचे, इंफोसिस आज 8% नीचे, दोनों ही स्टॉक्स में नंबर्स के बाद मैम आपका कॉल क्या है? देखिए, पहले भी हमारा दोनों पे बाई था। टीसीएस पे हमारा अपसाइड रफली बिफोर टुडेज मार्केट आज 20% अपसाइड था, और इंफोसिस में अराउंड 17%। इवन इफ आई अज्यूम कि डाउनग्रेड होगा 3-4%, तो आई गेस सो 15% इजिली इन्फोसिस ले सकता है फ्रॉम द लास्ट क्लोजिंग। सो आई गेस आज जितनी गिरावट आई आप ऐड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली दोनों स्टॉक्स में अपसाइड हैं, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को, स्पेशली इन्फोसिस में और टीसीएस में एंट्री लेने के। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स में अपसाइड नजर आता है, इस पिटाई में आपके पास शायद खरीदारी करने के मौके 15-20% के रिटर्न दोनों स्टॉक दे सकते हैं। सरबजीत, आपका बहुत धन्यवाद सिमी सिवास के लिए वक्त निकालने के लिए, और छोटे से ब्रेक के बाद सेंचुरी प्लाईबोर्ड के चेयरमैन सज्जन भजानका साहब से बातचीत।